धन्यवाद 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 करते मेरे प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीजस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम को ऊँचा करते हैं। मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप इस जगत को चलाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीजस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के शाम के वक्त में हम सबसे पहले प्रभु के एक वचन को देखेंगे और देखेंगे कि प्रभु आज के शाम के वक्त में हमसे क्या बातें करता है अपने वचनों के द्वारा। और आज के शाम के वक्त में हम प्रार्थना करेंगे आपके दुख बीमारियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी हर एक ज़रूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि हम लोग एक मन होकर, एकजुट होकर, एक आत्मा होकर मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु अपने वचनों में कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो आज प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से आज आपको आज़ाद करेगा। आज हम वचन निकालते हैं यिर्मयाह अध्याय 30 पद संख्या 17। वहाँ पर लिखा है, मैं तेरा इलाज कर तेरे घावों को चंगा करूँगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज कर तेरे घावों को चंगा करूँगा। यदि आज कोई भी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी दुख आपके जीवन में, कोई भी बीमारी आपके जीवन में, तो प्रभु कहता है मैं उन चीज़ों को आपके जीवन से निकालूंगा और उन्हें ठीक करूंगा। यदि आप कर्जों में, तो प्रभु आपके जीवन से कर्जे निकालेंगे। यदि आप बीमारी में, तो प्रभु आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपको चंगा करेगा। यदि आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की समस्याएँ क्यों ना हो, परिस्थिति आपका कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। और प्रभु का वचन आज के सामने यही बातें कर रहा है हम लोगों से कि आज आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बीमारियों में क्यों ना हो, प्रभु आज आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा। यदि आज आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन नशे करते हैं, तो प्रभु आज उनको आज़ाद करेंगे। यदि आज आप हॉस्पिटल में, तो प्रभु आज आपको वहाँ से डिस्चार्ज करेगा, आपको चंगा करेगा। आप लोग विश्वास करें प्रभु पर और प्रभु का वचन, ये वचन पे विश्वास करें। प्रभु का जीवित वचन, प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें और विश्वास करें कि प्रभु आज आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की समस्याओं से, आपके परिवार में कैसी भी समस्याएँ क्यों ना हो, आज आपके जीवन से वो जा रही है। आप लोग ऐसा विश्वास करें और प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए अभी सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने आँखों को बंद कर लें, अपने हाथों को उठा लें, घुटने पे आ जाए और प्रार्थना करें। तो आइए सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपने हर एक संसार में रहने वाले जीव जंतुओं को, मनुष्यों को प्रभु जी, हर एक पेड़ पक्षियों को पिता आपने ही बनाया। मेरे खुदावन, मेरे पिता, प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने बहुबल का प्रदर्शन किया मेरे खुदावन, आपने इसराइलियों को गुलामियों से आज़ाद कराया मेरे पिता। प्रभु जी, आपने लाल समुद्र को प्रभु जी दो भागों में विभाजित कर दिया। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने मरुभूमियों में राह दिखाया मेरे खुदावन, मेरे पिता। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हे मेरे परम पावन प्रभु जी, हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में आपने हमें सुरक्षित, जीवित, भला, चंगा बचा कर रखा मेरे प्रभु जी। हर एक कार्यों पर आपने आशीष दिया, आपने हमारा हर एक कार्य को सफल बनाया मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमारे घरों में भोजन दिया, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखा मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के शाम के वक्त में पिता, हम इस समय को, इस घड़ी को मेरे खुदावन, मेरे पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। और हर एक भाई बहन को, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता, उनके परिवार के
लोगों को प्रभु जी, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन प्रभु जी, उनके रिश्तेदार के हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो उनकी सुधि ले मेरे खुदावन प्रभु जी, और उन्हें अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे पिता, मेरे प्रभु जी। और जितने भी लोग प्रभु जी आज प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे और विश्वास के साथ रिसीव करें मेरे खुदावन प्रभु जी, आज उनके घरों में चंगाई जाने पाए मेरे पिता, उनका छुटकारा होने पाए मेरे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पावन प्रभु जी, आप दयालु है मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, आप प्रेममय है, आप दया और अनुग्रह से परिपूर्ण है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सामर्थ्य मेरे पिता प्रभु जी, आप हर एक कार्य को करने में सक्षम है मेरे पिता प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं आज के इस समय मेरे पिता, हम आपकी दुहाई देते हैं क्योंकि प्रभु जी तू दीन दुखियों पर दया करता है मेरे पिता। जो आपको पुकारता है मेरे प्रभु जी, आप उनकी आवाज को प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को प्रभु जी कभी नहीं ठुकराते प्रभु जी। जो आप पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता, वो कभी लज्जित नहीं होता, अपमानित नहीं होता पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी आज आपने अपने वचनों से हमसे बातें किया है मेरे खुदावन प्रभु जी, आपने बोला है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज आप चंगा करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज आप हर एक लोगों को छुटकारा, चंगाई देने वाले हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्याओं से आज आप आजाद करने वाले मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी। आज हम आपसे विनती करते हैं हे मेरे प्रभु जी, आज के इस शाम के वक्त में हम हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को मेरे प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी। आज जितने लोग प्रभु जी कर्जों में पड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आज प्रभु जी संघर्ष कर रहे हैं अपने प्रभु जी जीवन से मेरे खुदावन प्रभु जी, उन लोगों पर अनुग्रह कर हे मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें हर एक प्रकार के कर्जों से आजाद कर मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी। चाहे उनके जीवन में कितने भी कर्ज क्यों ना हो, लोन क्यों ना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे पिता प्रभु जी। तू उन पर अपनी दया दृष्टि कर और उन्हें आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, तो उन सारे माता पिता भाई बहनों पर दया कर और प्रभु जी उनके संघर्षमय जीवन को प्रभु जी सरल कर प्रभु जी, आसान बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप थके हुए को प्रभु जी, आप थके हुए को प्रभु जी चलाते मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी। जो गिर जाता है मेरे खुदावन प्रभु जी, आप उनके हाथों को पकड़ कर प्रभु जी उठाते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज उन सारे भाई बहनों को जिनका मन आज टूट चुका है मेरे प्रभु जी, आज तो उन्हें खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके मन में प्रभु जी प्रेम डाल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके मन में अपनी हिम्मत डाल मेरे खुदावन मेरे पिता, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमारे हिम्मत है, आप ही हमारे बल है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हमें शक्ति और सामर्थ्य देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने वचनों में ये भी बोला है मेरे पिता कि एक जवान शेर भूखा रह सकता है, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पे विश्वास करता है प्रभु जी, वो कमजोर नहीं रह सकता प्रभु जी, वो दुर्बल नहीं रह सकता मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले ले मेरे खुदावन प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें हर एक प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से प्रभु जी संघर्षमय जीवन से मेरे पिता परमेश्वर उन्हें आज छुटकारा दे मेरे पिता, और प्रभु जी उन्हें हर एक प्रकार की रोगों से, बीमारियों से मेरे खुदावन मेरे पिता उन्हें आजाद कर, उन्हें स्वस्थ कर प्रभु जी, उन्हें हर एक प्रकार के दुखों से आजाद कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन मेरे पिता। हे मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी भोजन नहीं मिल रहा प्रभु जी, जिनको रहने के लिए घर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु जी उन सारी गरीबी हालत से। हे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आप ब्लेस कर, उन्हें प्रभु जी नई आशीष दे, उन्हें अपने मसाज से, अपने सामर्थ्य, अपने दया और अपने प्रेम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं और हर एक बच्चों को, हर एक माता पिताओं को आज के इस रात में हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें सुख शांति की नींद प्रदान कर और आज के इस रात में हर एक प्रकार की समस्याओं से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से प्रभु जी बचा के रख, और प्रभु जी जब ये सुबह जगे तो प्रभु जी ये अपने जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष को देखे मेरे पिता परमेश्वर, आपके कार्य को महसूस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो छुटकारा महसूस करें प्रभु जी, वो छुटकारा पाने पाए मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं और आज के शाम के वक्त में हम हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, उनकी हड्डियों हड्डियों की रक्षा कर प्रभु जी, क्योंकि आपने वादा किया मेरे पिता परमेश्वर, और आज के इस रात में उन्हें सुख शांति की नींद प्रदान कर। हम प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और उन्हें आपके लहू में देते हैं मेरे प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन।